बड़ी खबर गुजरात के जूनागढ़ से आ रही है, जहां पर अवैध दरगाह को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जबरदस्त बवाल काटा है। भीड़ ने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के नोटिस के बाद जमकर पथराव किया है और बताया जा रहा है भीड़ ने पुलिस चौकी पर भी हमला कर दिया है। हमले में डिप्टी एसपी, महिला पीएसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बड़ी खबर गुजरात के जूनागढ़ से। इसके अलावा अपडेट ये भी आ रही है कि गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज तक करना पड़ा। फिलहाल इलाके में बताया जा रहा है कि भारी तनाव है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि आखिर क्या है ये मामला, क्यों भीड़ अचानक से बेकाबू हुई। तो आपको बता दें कि प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपर कोट एक्सटेंशन में एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ये गुस्सा बेकाबू हो गया और जूनागढ़ में जंग जैसे हालात बन गए। तो ये रिपोर्ट्स लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जिस दरगाह को हटाए जाने का नोटिस दिया गया था वो मजेवाली दरवाजे के ठीक सामने स्थित है, तो ये बात भी कही जा रही है। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी, डेडलाइन के बाद भी नोटिस को लेकर कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला किया। नगर निगम की टीम शाम को ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाने पहुंची थी, जिसके विरोध में भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी ही देर में ये भीड़ उपद्रवियों की शक्ल में बदल गई और पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां खड़े कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब बवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 से 300 लोगों की भीड़ पत्थरबाजी करते और गाड़ियों को तोड़ते हुए दिख रही है। हिंसा भड़कने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को इलाके में भेजा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अवैध दरगाह के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करना चाहता था, अचानक से 200 से 300 लोग इकट्ठा होते हैं और वो हमला कर देते हैं। जूनागढ़ से खबर, जो भी इस पर अपडेट आएगी वो आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।